हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं सौरभ और आप सभी का स्वागत है एसएससी सीएचएसएल के यूट्यूब कोर्स में। आज हम गणित यानी कि मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ये मैथ्स का चौथा लेक्चर है और इसके अंदर हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया टॉपिक है सर्ट्स इंडाइसेस, करणी और घातांक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हमारे वीडियोस हैं ये आपसे मिस ना हो। एसएससी सीएचएसएल का कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, करणी एवं घातांक यानी कि सर्ट्स और इंडाइसेस। देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके फॉर्मूलाज में, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो समझना जरूरी है सर्ट्स क्या होता है, इंडाइसेस क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो बताइए उत्तर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे 3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 81। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि आप 3 को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते करते 50 times आप मल्टीप्लाई करिए, कितने बार, 50 बार। क्या आप इसको 50 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा ये आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा वैल्यू हो जाता है जब हम किसी मल्टीप्लीकेशन को कंटिन्यूअसली बहुत बार लिख लेते हैं, तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि 3 को 50 बार मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या करना होगा, इसको डायरेक्टली हम 3 के घात 50 लिख सकते हैं, 3 to the power of 50। इसका मतलब क्या है, 3 को 50 बार मल्टीप्लाई करना। अब जो पहला और दूसरा एक्सप्रेशन था इसको हम क्या लिख सकते थे, 3 का स्क्वायर लिख सकते थे, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। यहां पे 3 को 1, 2, 3, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया तो इसको हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 2 यानी कि 3 के घात यदि 2 चढ़ा हुआ है तो इसे हम 3 का स्क्वायर कहते हैं 9। 3 के घात में अगर 4 चढ़ा हुआ है तो इसको हम 3 3 3 3 चार बार मल्टीप्लाई करके इस तरह से 81 लिख सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं घातांक यानी कि इंडाइसिस, जिसमें कि ये जो 3 है ये बेस कहलाता है और 2 जो है इसका पावर कहलाता है, ये आधार है और ये इसका घात है। ठीक है, ये हो गई बेसिक सी बात इंडाइसिस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो अगर 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना था, 4 बार मल्टीप्लाई करना था तो हमने लिख दिया 3 के पावर 4। यदि किसी संख्या को आधा करना है, यानी कि इसको 3 को 4 बार तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब इसका आधा करना है तो हम क्या करते हैं, वर्ग मूल निकालते थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले वाले वीडियोज में, पिछले हफ्ते के वीडियोज में। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं वही घातांक करणी कहलाते हैं, सर्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सपोज करते हैं 2 वैल्यूज में लिखता हूँ, √16 लिखता हूं मैं, यानी कि √16। ठीक है, और यहां पर मैं लिख लेता हूँ √25। तो आप सभी जानते हैं इतने सारे हमने जो लेक्चर देखे पिछले वीडियो में कि इसका वैल्यू तो होता है 4 और इसका वैल्यू होता है 5, लेकिन ये पूर्ण वर्ग थे इसलिए इसका वर्ग मूल निकालने पर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले लेता हूं, 16 और 25 के बीच में बताइए क्या आ सकता, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं 20 का स्क्वायर रूट निकालने जाऊं तो क्या एक इंटीजर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां पे आपका जो वैल्यू रहेगा वो 4 to 5 के बीच में कुछ वैल्यू आना चाहिए इसका। ठीक है, तो कभी भी √20 हमें निकालना है तो 4 से 5 के बीच में ये वैल्यू आएगा। ठीक, तो अब समझिए इसको कि यही जो वैल्यूज है जो रूट के बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाता, एक इंटीजर ऐसा जो वर्गमूल या कोई भी इस तरीके का हम वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं, सर्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से बाहर एक इंटीजर ना दे, वही हमारा करनी होता है, सर्ट्स होता है। ठीक है, अब इस तरीके के नंबर को डील कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ छोटी छोटी से बेसिक सी बातें समझ लीजिए, जब हमने इस तरीके का एक करनी लगाई और इसके सामने कोई इंटीजर नहीं लिखा हुआ है, जब कोई इंटीजर यहां नहीं लगा हुआ है मतलब यहां पे 2 छुपा हुआ है, यानी इसके करनी घात में 2 है। करनी घात में कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे कि यहां पर हम √ ठीक है 500 भी ले सकते हैं, ये भी एक करनी घात है। ठीक, यहां पे मतलब हमने यहां पर इसका करनी घात में 3 लिया। कहने का मतलब अंदर जो गुणन खंडन हो रहा है, जितने भी फैक्टर्स है इसके गुणन खंड में 3 बार जो चीज आई है वो बाहर निकल के 1 बार आ सकता है।
क्योंकि यहां पर जैसे मैं स्क्वायर रूट लिखता हूं तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि 16 के घात में आधा कर देना। तो अगर यहां पे 4 दो बार मल्टीप्लाइड था तो 4 आपको इसका आधे बार लिखना होगा, मतलब 4। ये इसका बेसिक हुआ। 25 था तो 25 कैसे बना है, 5 को दो बार मल्टीप्लाई करने से बना है, इसका आधे बार ही आपको लेना है। 5 दो बार मल्टीप्लाई किया था तो इसके आधे बार ही लेना है, तो यहां पर 5 निकल के आएगा। उसी प्रकार अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 कैसे बना था, 20 बना है आपके 4 × 5 से, इसके घात में आपने आधा चढ़ा के रखा हुआ है। ये 4 कैसे बना है, तो 2 × 2 से बना है, × 5 होल के पावर यहां पे आधा है। तो ये जो दो बार मल्टीप्लाई हुआ इसको तो आधा एक बार कर सकते हैं, तो ये घात के बाहर आ जाएगा, ठीक, यहां पर करनी के बाहर आ जाएगा सॉरी। और जो रूट ओवर 5 है वो अंदर का अंदर फंसा रह जाएगा, मतलब कि जो 20 रूट है, रूट ओवर 20 है, उसका वैल्यू 2√5 होता है, क्योंकि अंदर 4 था जो कि एक पूर्ण वर्ग है, तो उसके जगह हम 2 लिख सकते थे, लेकिन ये जो 5 बच गया वो अंदर का अंदर फंसा रह जाएगा। इस तरीके से आपको इस तरीके के नंबर से हैंडल करना है, ठीक है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। जैसे ये 500 है, ये 500 कैसे बना है, तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया और 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसका आपको क्या निकालना है, तो इसका आपको घनमूल निकालना है। 125 × 4 से बना है ये, तो 125 का जब घनमूल निकालने जाओगे तो ये 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन वो जो 4 है वो 4 अंदर का अंदर फंसा रहेगा, इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो 500 का घनमूल निकालना था, यानी करणी घात में 500 के करणी घात में 3 हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा 5 करणी घात किसका, 3 करणी घात 4 का, ठीक है, 4 के करणी घात में 3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 500 का, जब आपको घनमूल निकालना है। तो इस तरीके से हम ये सारी नंबर्स को हैंडल करेंगे। तो जो भी वैल्यू पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है करणी से, उसी को हम यहाँ पर करणी सर्ट्स कहते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से बाहर निकल गया तो वो करणी नहीं रह जाएगा, वो एक इंटीजर रह जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो पूरे तौर पे आपको ये समझ में आ गया होगा सर्ट्स का मतलब क्या है, इंडाइसेस का मतलब क्या है। इंडाइसेस का मतलब किसी संख्या के घात में, हमने यहाँ पर a के पावर m लिखा तो ये क्या है, ये इंडाइसेस है, जिसमें a और m जो है ये इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। यदि मैंने a के घात यहाँ पे n लिख दिया तो ये आपका सर्ट्स यानी कि करणी कहलाएगा। जब ये a जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाए कि n समान तरीके के कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करके नहीं बनाया जा सकता a को, तो ये अंदर का अंदर फंसा रह जाएगा, तो ये आपका सर्ट बन जाएगा। और a के घात m जो है दोनों के दोनों अगर इंटीजर्स है तो इस तरीके से आपका करणी घात ये आपका इंडाइसेस कहलाएगा और ये आपका सर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब मोटे तौर पे आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि इंडाइसेस क्या है, सर्ट्स क्या है। अब कैलकुलेशन में इस तरह के जो नंबर्स आते हैं उसको हैंडल कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बेसिक से हम चलेंगे तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग थोड़ा सा सबर रखना, क्योंकि सवाल अच्छे होंगे, प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है कंपनी का वेबसाइट, उसमें आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो इस लेक्चर का पीडीएफ हो, चाहे वो आपको जो प्रैक्टिस शीट वीकली बेसिस पे हम दे रहे हैं हर सैटरडे को, जो लेक्चर्स कवर हो रहा है उसके प्रैक्टिस शीट, वो भी आपको वहीं से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मैंने जैसे बताया एक एक घात एम जो है इंडाइसेस होता है, यानी कि घातांक होती है, जिसमें a को बेस और m को पावर कहते हैं। मतलब a जो है आपका आधार कहलाता है, a क्या कहलाएगा, आपका आधार, और m उसका घात कहलाएगा यानी इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। a के घात करणी घात में n हुआ तो ये आपका सर्ट्स होता है, इसी को करणी कहते हैं, जिसमें a रेडिकल कहलाता है, n होता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। तो ये दोनों चीजें कुछ हो गई बेसिक सी बातें, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। जब यहां पर हमें स्क्वायर रूट निकालना था 8 का, तो स्क्वायर रूट 8 का निकालना संभव होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब उत्तर इस तरीके से आ जाए कि रूट 8 है और वैल्यू डेसिमल में दिया है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपने देखा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है इसका वैल्यू 3 होता है, और इसके पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 4, इसका वैल्यू 2 होता है। तो कहने का मतलब, यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 से स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं
वो 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 2। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे एक फ्रैक्शन आएगा और फ्रैक्शन ही डिसाइड करेगा कि 2 के आगे क्या है। जैसे 2.8 लिखा हुआ है, कैसे आया वो मैं बताना चाहता हूं आपको। आपको करना क्या है, देखिए यहां पर जो 8 है, इस 8 का आपको डिफरेंस लेना है छोटी वाली वैल्यू से। इससे इसका डिफरेंस ले लीजिए कितने का आ रहा है, 4 का, और 9 से इसका डिफरेंस ले लीजिए कितने का है, तो 5। तो लगभग 2.8 हो जाएगा, क्योंकि 0.8 हो रहा है, तो 2.8 जो है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है अप्रोक्सीमेटली 2.8 होता है। ये ऑपरेशन कब करना है, जब आंसर आपके डेसिमल में दिए होंगे तभी करना है, नहीं तो मैंने जो पहले आपको बताया था कि नंबर कैसे हैंडल करना है उसी तरीके से हम हैंडल करेंगे। ठीक, तो जरूरी नहीं आंसर आपके इस फॉर्मेट में छोड़ा जाए। इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो 2√2 है, क्योंकि 4 × 2 है, वो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि यहां पर 8 बना कैसे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से बना है। अब 3 को आधा तो नहीं कर सकते हम, 1 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई था, 1 2 बेचारा अंदर का अंदर फंसा रह जाएगा। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया, ये कब करना है, जब आपको डेसिमल में आंसर दिया हुआ तब आपको ये अप्रोक्सीमेशन करना है। ठीक है, चलिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिससे आपका आंसर निकाला जा सकता है डेसिमल में। दूसरे वाला एग्जांपल देखिए, इसके पहले आता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो कि होता है 7, इसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो कि होता है 8। तो अगर आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 54 पूछा जा रहा है, तो 54 तो 49 से 64 के बीच में है, मतलब वैल्यू 7 से 8 के बीच में होगा। तो सबसे पहले तो 7 आएगा आएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में कैसे निकाला जाए वैल्यू, इससे इसका डिफरेंस लेंगे, 54 और 49 का डिफरेंस। ठीक है, इसको मैं अलग से बता देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर आपका जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस किसका किसका लेना है, 54 और 49 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ गया, तो 5 का आ गया, 5 लिख लेते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे ये 64 और 49 का डिफरेंस ले लीजिए, तो 15 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 है, 7 1/3 मतलब 7.1/3 मतलब 0.3333 आता है, तो 7.33 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे 95 है, तो 95 देखते साथ दो नंबर जो आपके दिमाग में आने चाहिए वो इसके पहले और इसके बाद के नंबर्स। तो क्यूब रूट ऑफ 125 जो होता है ये होता है 5, और क्यूब रूट ऑफ 64 जो होता है ये 64 जो होता है ये होता है 4, मतलब वैल्यू जो है 4 से 5 के बीच में। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 4, प्लस आगे का जो वैल्यू है उसको देख लेते हैं। अब इसका डिफरेंस पहले लेंगे तो 31 का डिफरेंस है, तो यहां पे ऊपर आ जाएगा 31, डिवाइडेड बाय टोटल यहां से यहां तक का डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस है, तो 61 का डिफरेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये इसका आधा है, 31 जो है 61 का आधा है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 4.5 लिख सकता हूं। ये आधा हो रहा है ना, तो आधा मतलब 0.5, 4.5 के आसपास इसका वैल्यू रहेगा जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, कैसे इसको सॉल्व करना है समझ में आ रहा है। लास्ट वाले एग्जांपल को कमेंट करिए, इसका वैल्यू कैसे आएगा, 2.6 दिया हुआ है, कैसे निकालना है। तो फोर्थ रूट की बात हम कर रहे हैं, फोर्थ रूट मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करने से जो परफेक्ट नंबर्स आते हैं वो वैसे नंबर्स को हमें ध्यान देना है। देखिए, अगर मैं 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका फोर्थ रूट ऑफ 81, जिसका वैल्यू क्या होता है, तो 3 होता है। और यहां पर अगर मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो 16 आता है, इसका फोर्थ रूट निकालने जाओगे तो वैल्यू 2 आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है, ये जो फोर्थ रूट ऑफ 55 है ये कहीं ना कहीं 2 से 3 के बीच में है, ये कहीं ना कहीं 2 से 3 के बीच में है। तो 2+ आगे की वैल्यू देख लेते हैं, 2+ के बाद क्या होगा, 55 और इसका डिफरेंस दीजिए कितना हो जाएगा, 39 का डिफरेंस, तो मैं यहां 39 लिख लेता हूं। ठीक, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 अगर करोगे तो 71, फिर 6 और माइनस करोगे तो 65 आएगा। ठीक, 65 मतलब अगर 13 से काटा जाए तो ऊपर नीचे 3/5 आ रहा है, 3/5 मतलब लगभग 0.6 है, मतलब 2.6 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो यहां पे लिखा हुआ है। कैसे निकालना है डेसिमल वैल्यू, किसी भी सर्ड का अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं कह रहे कि यही होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जब डेसिमल वैल्यू में आंसर दिया हुआ है वहां पर आप ये वाला जो टेक्निक है इसको यूज करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे डेसिमल वैल्यू में आंसर पूछता है, कभी कभी सर्ड्स वैल्यू में भी आंसर पूछता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन
हमें या तो ये लगाना होगा या तो आपको इसे एज इट इज छोड़ देना होगा जिस फॉर्मेट पे ये आया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस 54 की ही बात कर लेते हैं, ये 54 को आप या तो लिख सकते हैं 7.33 अप्रोक्सीमेटली, या फिर आप समझिए कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है, 9 × 9 × 6 है ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है यानी वर्गमूल जो निकालना है, 9 का तो 3 है, ये 3 बाहर आ जाएगा लेकिन 6 बेचारा अंदर का अंदर फंसा रह जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लगने लगा होगा कि इस तरह के नंबर को हमें हैंडल कैसे करना है, कैसे हमें ये सारे नंबर्स अगर एग्जाम में दिखते हैं तो उसे सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आने लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वैल्यूज जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कुछ वैल्यूज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इसको याद करके रखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.414 होता है, इसको आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है 1.732 होता है, ये भी आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 2.236, स्क्वायर रूट ऑफ 7 होता है 2.645, इसको याद रखना इसलिए है क्योंकि एक सवाल जो आपके एग्जाम में आया था उसको मैं यहाँ पे आपको अभी बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछा गया था। देखिए सवाल का जो उत्तर आया था रूट फाइव, सवाल का जो उत्तर आया था वो आया था रूट फाइव, लेकिन ऑप्शन कैसे सेट किया था, ऑप्शन कुछ इस तरीके से सेट किया था एग्जामिनर ने कि जो वैल्यू है बहुत बड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन था उसका आंसर ये आ गया। अब आपसे पूछना था ये किसके बीच में लाया करता है, तो चार ऑप्शन क्या क्या थे, एक ऑप्शन था 1.5 से 2 के बीच में, दूसरा ऑप्शन था 2 से 2.5 के बीच में, तीसरा एक ऑप्शन दिया था 2.5 से 3 के बीच में, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था 3 से 3.5 के बीच में। तो ये जो वैल्यूज है ये इंपॉर्टेंट होता है याद करने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज को आप याद रखिए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में भी हेल्प होता है। तो अगर आपने ये याद करके रखा है कि रूट फाइव का वैल्यू होता है 2.236, तो जैसे ही आपको रूट फाइव निकला वैल्यू, अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 2.236 जो है 2 से 2.5 के बीच में लाया करता है, तो आप ऑप्शन बी को मार्क करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न में भी सवाल बन सकते हैं कि इसका वैल्यू बताइए किसके बीच में लाया करता है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए और आंसर जो आ रहा है उसको आप यहां से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है ये एग्जैक्ट वैल्यूज है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 का, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आई होप आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी अपने नोटबुक पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें जो पहले हमने देखा था, 2 के घात 5 का मतलब क्या होता है। देखिए 2 के घात जो है ना वैल्यूज को आप याद करके रखिए, 2 के घात 5 जो होता है ये होता है 32, तो 2 to the power of 12 तक आप याद करके रखिए, बहुत यूजफुल है। 2 की पावर 1 होता है 2, 2 स्क्वायर होता है 4, 2 क्यूब होता है आपका 8, 2 की पावर 4 करोगे 16 होता है, ठीक। इसके बाद 2 की पावर 5 आएगा 32, ठीक है। तो 2 के पावर 12 तक आपको याद रखना है, मैं एक बार फटाफट यहां पे लिख लेता हूं, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 जो है 128, 2 की पावर 8 जो है 512, ठीक, सॉरी 256 होगा यहां पे, फिर 2 के पावर 9 आएगा 512, ठीक है, 2 के पावर 10 जो होता है ये होता है 1024, फिर 2 के घात 11 जो है ये होता है 2048, और 2 के घात 12 जो होता है ये होता है 4096, ठीक। तो हमने 2 को 12 बार मल्टीप्लाई किया तो 4096 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप 3 के पावर 5 तक याद करिए, 3 के पावर 1 से लेकर 3 के पावर 5 तक भी याद करके रखना है, 3 के पावर 5 होता है 243, क्योंकि देखिए जैसे ही आप 243 एग्जाम में देखोगे पहली बार तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया कि कहां से ये नंबर आया हुआ, लेकिन अगर आपको याद है कि 256 का मतलब 2 की पावर 8 होता है तो आप फटाफट वहां पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। 3 की पावर यहाँ पे 5 हो गया, 3 की पावर 6 जो होता है, 3 की पावर 6 होता है 729, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आप अगर याद रखेंगे एग्जाम में जैसे ही आपको ये नंबर दिखते हैं तो वो क्लिक करना चाहिए कि भाई हाँ इसको मैंने देखा है कहीं पे, 512 जो है वो 2 के घात 9 होता है, तो ये सारी चीजें क्लिक करने वाली बातें होती है। तो आप पहले से अगर होमवर्क करके एग्जामिनेशन में जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है, तो वहां पे आपका टाइम जो है बचेगा, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। 5 के पावर 4 मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना 625 होता है, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आता है, ठीक है, ये हमने देखा है क्यूब्स में। चलिए
तो ये इंडाइसेस है, कैसे इंडाइसेस को हैंडल करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए, आई होप ये सारी चीजें आपने लिख लिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, और ये एक तरीके से एक रिवीजन हो गया इंडाइसेस जो मैंने बताया था। कुछ फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस फॉर्मूला को एज इट इज आप लिख लीजिए अपने नोटबुक पर, क्योंकि ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 1-2 मिनट का समय लेकर इसको लिखिए अपने नोटबुक पर। 1^m × 1^n जो होता है, ये होता है 1^m + n। कैसे बना है ये फॉर्मूला, इसके ऊपर भी थोड़ा मैं डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2^3 मल्टीप्लाइड बाय 2^2 को, अगर मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक, और अगली बार हमने 2 को यहां पर 2 बार और मल्टीप्लाई किया, तो क्या हम एक बार में लिख सकते हैं कि 2 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया? तो ऊपर आप देख रहे हैं 3 + 2 होता है क्या है, 5 होता है। तो अगर हम m लिख रहे हैं और n लिख रहे हैं, तो बीच में अगर मल्टीप्लाई आ गया, बेस सेम है, तो यहां पर पावर क्या है होता है, ऐड हो जाता है। ये 5 कैसे आया, 3 + 2 से, बीच में मल्टीप्लाई है, बेसिस सेम था। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या है। इसी मल्टीप्लाई की जगह अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पावर घट जाता है। जैसे कि इसी एग्जांपल को समझिए, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता, अगर ये डिवाइड होता, डिवाइड होने का मतलब क्या है, डिवाइड होने का मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लीकेशन में उल्टा कर सकते हैं, यानी कि ये 2 × 2 × 2 होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज आप रिवर्स कर सकते हो, 1/2 × 2। तो ये दोनों 2 और ये दोनों 2 कट गया, मतलब 2 की घात कितना आया, 1 आया। अब ये 1 कैसे आया, तो 3 − 2 से आया, 3 − 2, यानी कि यहां पर 1 आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्मूला है। काफी बेसिक से मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, समझते चलेंगे, ये फॉर्मूलाज को हम आगे यूज करने वाले हैं। अब a^m × n है, और a^n^2 है, इसका दोनों का वैल्यू a^mn होता है। कैसे, अगर मैं यहां 2^6 लिख रहा हूं, तो ये बराबर होता है 2^3^2 के, और ये बराबर होता है 2^2^3 के। कैसे, समझिए, 2^6 का मतलब क्या है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, जो कि होता है 64। ठीक, अब दूसरी वाली वैल्यू को देखेंगे, तो ये 2 का क्यूब है, मतलब 8 है, और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64 आएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का क्यूब करोगे तो भी 64 आएगा। तीनों की तीनों चीज सेम है, चाहे आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर करके क्यूब करिए या 2 का क्यूब करके स्क्वायर करिए, दोनों के दोनों 2 के स्क्वायर और क्यूब के प्रोडक्ट के यहाँ पर एम एन के बराबर होगा। यही चीज मैंने क्या ये किया हुआ है कि 2^3^2 है, तो वो भी 3 × 2 के बराबर होगा, और यहाँ पर 2^2^3 है, तो वो भी 2^2 × 3 के बराबर होगा। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 3। क्लियर, a^0 अगर हो गया, किसी भी संख्या के घात पे शून्य लगता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी वहां कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाइड है। ठीक, a^n जो है, इसका व्युत्क्रम करोगे तो पावर में माइनस आ जाएगा, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 5^-2 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1/5^2, यानी 1/25। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी 5^2 कर लूं, तो ये 1/5^-2 के भी बराबर होता है, दोनों चीजें समान है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला है कि 1 की घात अगर n लगा हुआ है, तो 1/1^-n हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, ये हमने देख लिया था। अब a^x है इज इक्वल टू b है, तो a बराबर हो जाता है b^1/x। कहने का मतलब ये, अगर हमने कह दिया कि x² = 5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5^2, मतलब घात आधा, मतलब √5, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, इस तरीके से आपको ये चीजें देखनी है। अगर अगले फॉर्मूले की बात करें, तो a^x = अगर a^y है, मतलब अगर बेसिस सेम है और इसका पावर अलग अलग है, तो इसका मतलब ये होता है कि x = y होगा ही होगा। तो रिजल्ट हमको यही यूज करना है कि अगर बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है, तो x = y, यानी कि पावर भी बराबर ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है, ये मैंने पहले भी आपको बता के रखा हुआ है कि कर्णी घात में अगर n होता है, तो घात में 1/n चढ़ जाएगा, मतलब कि 3 के कर्णी घात में मैंने 4 लिखा, इसका मतलब क्या है, 3 की घात 1/4 है, इसका मतलब जो मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं उसकी संख्याओं को आपको 1/4 करना है, जो मल्टीप्लीकेशन चल रही है उसकी संख्या को आपको 1/4 करना है। ये काफी बेसिक चीज है, ऐसा होता क्यों है वो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि अगर मैं 3^2 लिखता हूं, तो मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 2 बार करना है, तो 9 आता है,
तो 3 के घात 1/4 मतलब जो चीजें मल्टीप्लाई हुई है उसको 1/4 करना जो है उसी को हम कर्णी घात कहते हैं। 3 के घात कर्णी घात, यानी 1 के घात अगर कर्णी घात में n है मतलब 1 के घात में 1/n होगा। ठीक है, यही सारी चीजें तो बेसिक है। ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। 1 के पावर m के घात में अगर n लगा हुआ है तो इसका इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के पावर m/n। ठीक, तो अगर m भी लगा हुआ है पावर में और कर्णी घात में भी n है तो इसका वैल्यू m ऊपर ही रहेगा लेकिन n डिवीजन में आ जाएगा पावर में। और अगर यहाँ पे कर्णी घात में n है और कर्णी घात में m भी है तो दोनों का कर्णी घात mn हो जाएगा। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, यानी एम अंदर एन बाहर तो भी आंसर सेम ही आना। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, यहां पर पहले हमने देखा था कि बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो क्या करना है। यहां पे पावर सेम है यानी कि m यहां पर चढ़ा है तो यहां पर भी m चढ़ा, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में पावर ले सकते हैं। ये चीज मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में समझाया भी था कि एक सवाल देखिए ऐसा कुछ था जिसमें 2² + 3² + 4² इस तरीके से चल रहा है, तो मैंने कहा था कि अगर आपको इसका 10 गुना करना है, ठीक, यानी कि आपको 20 का स्क्वायर चाहिए, 30 का स्क्वायर चाहिए और 40 का स्क्वायर चाहिए, तो आपको ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 10 से काम नहीं चलेगा, यहां पर दो बार मल्टीप्लाई है तो 10 का स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया था वो आपको आज समझ में आएगा, क्योंकि यहां पावर अगर एम है, अगर पावर एम है तो आप इस चीज को पहले मल्टीप्लाई करके पावर इकट्ठा ले सकते हैं। तो यहां पर 2 के स्क्वायर है, यहां पर भी तो 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 को अंदर ले जाकर 2 × 10 कर सकते हैं तो 20 बन जाएगा, फिर स्क्वायर होगा। यहां पे 3 का स्क्वायर है तो 3 × 10 करके 30 बना सकते हैं और बाद में आप स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले के तहत ऐसा हो रहा है। सेम चीज आपके डिविजन में भी चलेगा कि पावर में 1 के पावर m था और 1 डिवाइडेड बाय यानी कि विभाजित कर रहे हैं आप 1 के पावर m से, तो पहले आप विभाजन करके दोनों को इकट्ठा पावर एक साथ ले सकते हैं। ठीक, बेसिस सम सेम में मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है पावर में, और बेसिस सेम जब होता है तो डिवीजन में पावर में सब्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर पावर ही सेम हो गया तो आप पहले मल्टीप्लाई करके पावर ले सकते हैं इकट्ठा, अगर पावर सेम हो गया तो पहले आप डिवाइड करके पावर ले सकते हैं इकट्ठा। सेम चीज सर्च में भी चलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज करिए यहां पर इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × √5, तो आप पहले इसको 15 बना सकते हैं बाद में आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि ये n जो है ये 2 है। वर्गमूल का मतलब क्या है, यहां पर जब कुछ भी नहीं लगा है तो यहां पर 2 लगा हुआ है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगा, अगर आप कर्णी घात a का n ले रहे हैं और कर्णी घात b का n ले रहे हैं, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो nth रूट ऑफ a बटा b आ जाए। ठीक है, इसके बाद समझिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हम ऋणात्मक संख्या के ऊपर n लिखें, नेगेटिव नंबर के पावर में n लगा हुआ है, तो यहां पर वैल्यू प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन n। यदि n एक इवन नंबर है, यदि n एक इवन नंबर है मतलब कि n अगर सम संख्या हुई तो यहां पर धनात्मक संख्या निकल के आएगा, पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। लेकिन अगर n एक विषम संख्या हो गया, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर यदि हो गया, तो यहां पर एक ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि -2 × -2 करोगे तो प्लस का 4 आता है, लेकिन अगर मैं -2 × -2 जो कि प्लस का 4 हुआ, इसमें एक बार और -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है प्लस माइनस का 8। तो अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन जो है विषम संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो नेगेटिव नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन अगर यहां पर जो है सम संख्याओं के उतने बार यहां पर मल्टीप्लीकेशन चल रही है यानी कि 2 बार मल्टीप्लीकेशन चल रहा है तो -(-) आपका प्लस का वैल्यू देता है। ठीक, धनात्मक संख्या देती है। चलिए, ये तो कुछ बात हो गई सर्च इंडाइसेस की। अब हम आते हैं कुछ सवाल देखते हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, ठीक, इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी क्या है, ये हमें निकालना है इस सवाल में। तो आइए समझते हैं इस तरह के सवाल में करना क्या है हमें। यहां पर जैसे हम देखते हैं कि पावर में जो लगा हुआ है, आधा लगा हुआ है, 1/3 लगा हुआ है, 1/4 और 1/8 लगा हुआ, तो 2 के पावर क्या है 1/2, 3 के पावर क्या है 1/3,
5 के पावर क्या है 1/4 और 8 के पावर क्या है तो 1/12 है। अब बताइए इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। जब तक ये कर्णी घात के फॉर्म में रहेंगे यानी कि इसके घात में एक फ्रैक्शन लगा रहेगा भिन्न लगा रहेगा तो हमें कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है इसको सॉल्व करना या समझना कि कौन सा बड़ा वैल्यू है कौन सा छोटा वैल्यू संभव नहीं। तो हमें करना क्या होगा हमें इन्हें इंटीजर वैल्यूज में या इंडाइसेस के फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए क्या करना है उसके लिए आपको लेना है कि यहां जो चीजें डिवाइड हो रही है उसका एलसीएम आपको लेना होगा। किसका किसका एलसीएम मैं फिर से बता देता हूं। जो चीजें डिविजन में चल रही है पावर में 2, 3, 4 और 12 क्या करना है पहला स्टेप 2, 3, 4 और 12 का आपको लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लोगों तो ये 12 ही आएगा लघुत्तम समापवर्ती। जो एलसीएम आया वो आप इसके पावर में चढ़ा देंगे 12 ठीक 12 12 और 12। इससे होगा क्या बताइए a के पावर m के पावर n क्या होता है यानी कि nth रूट के पावर m यानी कि a के पावर m के पावर n क्या होता है a के पावर mn होता है m बटा n होता है। उसी चीज का हमें यहां पर यूज करना है उसी चीज का हमें यहां पर यूज करना है कि ये दोनों जो है कट जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में 12/2 हो गया मतलब पहला जो वैल्यू है पहला वैल्यू कितना हो गया तो ये हो जाएगा 2 के घात 6 2 की पावर 6। दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3 के पावर 4। तीसरा वैल्यू हो जाएगा 5 के पावर 3 और चौथा वैल्यू हो जाएगा 8 के पावर 1। तो अब इसको सॉल्व करिए ये कितना हो गया 64 ये हो जाएगा 81 ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 8। अब सवाल इसमें कई तरीके के बन सकते हैं मैं आपको सीधा उत्तर बता देता हूं कि जो सीक्वेंस इस नंबर में चल रहा है कि सबसे छोटा 8 है उससे बड़ा 64 उसके बाद 81 और सबसे बड़ा 125 जिस सीक्वेंस में ये बढ़ रहा घट रहा है उसी सीक्वेंस में इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू बढ़ेगा घटेगा। तो इस सवाल में जरूरी नहीं आपसे सबसे बड़ा वैल्यू पूछे आपसे ऑप्शन में अरेंजमेंट भी पूछ सकता है बढ़ते हुए क्रम में जमाना या घटते हुए क्रम में जमाना। तो जिस सीक्वेंस में ये सारे नंबर थे उसी सीक्वेंस में ऊपर के सारे नंबर हो ठीक ये स्टैंडर्ड पैटर्न सवाल है। तो सवाल पूछा क्या था सवाल पूछा था आपसे सबसे बड़ा नंबर तो 125 सबसे बड़ा है करस्पॉन्डिंग टू ये 5 वाला वैल्यू तो 5 वाला वैल्यू जहां दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है पहला सवाल क्लियर। चलिए आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है यहां पर अब जो वैल्यूज दिए काफी बड़े वैल्यूज दिए क्या क्या है तो 3 के पावर 500 है 3 के पावर 300 एक जगह दिया है 500 दिया है चलिए इसको हम 3 के पावर 300 कर लेते हैं ये 300 होगा ठीक 3 के पावर 300 2 के पावर 400 ठीक और 5 के पावर 300 है और 6 के पावर 200 है इन्हीं वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है। चलिए या फिर हम ये हिंदी वाले को करेक्ट मान के भी चल सकते हैं जैसा भी है मैं आपको बता दूंगा दोनों तरीके से सॉल्व कैसे करना है ठीक। ऐसे जब वैल्यूज बड़े बड़े वैल्यूज चल रहे हैं तो 5 को 300 बार मल्टीप्लाई करने पर आपका जो है पेपर पूरा भर जाएगा। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो करना क्या इसका एचसीएफ लेना है इन सभी संख्याओं का एचसीएफ हमें लेना है जो जो संख्या आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं पावर में उनका। तो क्या क्या नंबर है एक है पहला 300 400 और 200 है ना 200 तो इन सभी नंबर का एचसीएफ लोगे यानी महत्तम समापवर्ती जो कि क्या है 100 है। HCF लेने के बाद आपको इसका कर्णी घात लेना है उसी संख्या का कर्णी घात लेना है उसी संख्या का मतलब आपको इसके पावर में 100 से डिवाइड कर देना है। कर्णी घात लेना मतलब पावर में डिवाइड करना तो मैं 100 100 100 और 100 सभी में डिवाइड कर लेता हूं पावर में तो कुल मिला के क्या मिला हमें ये 3 का पावर 3 बन गया दूसरा वाला 2 के पावर 4 बन जाएगा तीसरा वाला 5 के पावर 3 बन जाएगा और चौथा वाला 6 का स्क्वायर बन जाएगा। अब जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में वो भी रहेगा मतलब ये आपका कितना बन गया ये बन जाएगा आपका 3 के पावर 3 यानी कि 27 ये बन जाएगा 2 के पावर 4 मतलब 16 ये बन जाएगा 5 का क्यूब 125 और ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। जिस सीक्वेंस में ये बढ़ घट रहा है उसी सीक्वेंस में ये भी बढ़ेगा घटेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था फिर से जो है 5 वाला नंबर ही सबसे बड़ा आ रहा है तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार सी जो है सवाल का सही उत्तर है 5 के पावर 300 ठीक है। अब बताइए 500 अगर होता उसके हिसाब से भी आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 500 सही है ठीक ये 3 के पावर 500 वाला हिंदी इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग एरर है सपोज करिए कि ये आंसर ये वाला वैल्यू आपका 500 होता तो ये 5 बन जाता है यहाँ पर बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी रहती। तो इसके हिसाब से भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ
ठीक, तो यहां पर जो वैल्यू है ये आपका बन जाता 5, 3 के पावर 5 आ जाता, 3 के पावर 5 मतलब 243। अब इस केस में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व करें तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 300 लिखा है, ये 500 होगा, है ना। यानी हो सकता है 3 के पावर 300 वाला जो वैल्यू है वही करेक्ट होगा, हिंदी वाले में टाइपिंग एरर हो गया होगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला सवाल कॉन्सेप्ट समझते जाइए। हमने फिर से एक बार ये वाला सवाल इस तरीके से सॉल्व किया कि पावर में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है जब हम कर्णी घात लेते हैं 100 से। चलिए ये थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, जो कि आपके एग्जाम में अगर किसी एक शिफ्ट में डिफिकल्ट सवाल आ गया तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको बढ़ने घटने में पूछा जा सकता है। ठीक, तो मैं आपको बेसिक से पहले समझा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। आप देखिए यहाँ पर हमें जो कंपेयर करने तीन वैल्यूज वो क्या क्या है, तो 65 के पावर में 1/6, दूसरा वैल्यू है 17 के पावर में 1/4, तीसरा वैल्यू जो है 12 के पावर में 1/3। ठीक, अब इसको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको ये तीन वैल्यू दिखा 6, 4, 3, तो आपके दिमाग में 6, 4, 3 का एलसीएम चलना चाहिए, लघुत्तम समापवर्त्य जो कि है 12। तो मैं इन सभी के पावर में लिख लेता हूं 12, यहां पे भी 12 लिख लेते हैं, इसके पावर में भी 12 चढ़ा लेते हैं हम, इसके पावर में भी हम 12 चढ़ा लेते हैं। तो 12 चढ़ाने पर हुआ क्या, हुआ ये कि पहला जो वैल्यू है वो बन जाएगा 65 का स्क्वायर, दूसरा वैल्यू जो है बन जाएगा 17 का क्यूब, क्योंकि तीन बार कटेगा 3 आ जाएगा, तीसरा वैल्यू जो है ये बन जाएगा 12 के पावर में 4। तो देखिए जब तक ये वैल्यू इवन नंबर में है तो कंपेयर हो सकता है, ऑड नंबर में है तो इसको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं ये जो 4 है स्क्वायर है इसको भी क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था 2 के पावर 6 था, 2 के पावर 6 को हमने कैसे तोड़ा था, 2 के पावर 3 के पावर 2, वैसे ये जो 12 के पावर 4 है इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 12 के स्क्वायर के पावर, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a के पावर m के पावर n जो होता है यही तो a के पावर mn होता है, तो जो 4 था उसको मैंने तोड़ दिया 12 के स्क्वायर के पावर स्क्वायर। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अंदर जो 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 144 लिख सकते हैं, तो मैं इस वैल्यू को यहां से हटाकर 144 कर लेता हूं। ठीक है, 144 का स्क्वायर हो रहा है। अब जब ये पावर स्क्वायर यहां पे, यहां पर भी स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये वैल्यू छोटा है ये वैल्यू बड़ा, लेकिन जब 17 का क्यूब आ गया तो 17 का क्यूब इतने आसानी से हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे वैल्यूज है, तो आप इसका स्क्वायर करके और क्यूब करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप 65 का स्क्वायर निकालना जानते हैं, 144 का स्क्वायर निकालना जानते हैं, 17 का क्यूब आप जानते हैं 4913 होता है, उस तरीके से आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर बड़े वैल्यूज आ गए तब क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 17 का क्यूब का मतलब क्या है, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो मैं क्या करूंगा 17 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, और 1 17 को अलग कर लेते हैं जो कि 1 बार मल्टीप्लाइड है। ठीक, इस 17 का लिमिट क्या हो सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स में हम देखेंगे कि 4 स्क्वायर से तो बड़ा है और 5 स्क्वायर से कम है, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है और 5 स्क्वायर जो है 25 होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो वैल्यू ये वाला है 17 वो 16 से 25 के बीच में है, मतलब 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर से के बीच में होगा। तो अगर मैं इस 17 को 4 का स्क्वायर मान लूं, पहली बार हम क्या करेंगे इस 17 को हम 4 का स्क्वायर मान लेते हैं, 4 से 5 के बीच में वैल्यू है, 4 स्क्वायर मान लूं, और दूसरा वैल्यू सबसे बड़ा जो हो सकता है इसका 5 स्क्वायर हो सकता है। तो दूसरा फॉर्मूला अभी जो हमें यूज करना है वो है a के पावर m × b के पावर m जो होता है, ये होता है a के पावर m n, यानी गिरी से गिरी हालत में ये 17 के पावर जो वैल्यू है वो 4 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वो 5 हो सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होगा, 17 का वैल्यू 5 स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा, 4 स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि a के पावर m × b के पावर m जो होता है, सॉरी ab × m होता है ना, ये क्या होगा a × b मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं और बाद में पावर इकट्ठा लेते हैं, वही चीज मैं यहां करने वाला हूं, यहाँ पावर सेम था, तो 17 × 4 करोगे तो 68 का स्क्वायर आएगा और 17 × 5 करोगे तो 85 का स्क्वायर आएगा, मतलब ये जो 17 का क्यूब हमने लिया था, ये जो 17 का क्यूब हमने लिया था, इसे मैं अभी हटा रहा हूं यहाँ पे, ये 17 का क्यूब का जो वैल्यू है, 17 के क्यूब का वैल्यू 68 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता और 85 के स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता। इस रिजल्ट पे हम कैसे पहुंचे हैं एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 17 का स्क्वायर हमने अलग किया, 17 को हमने अलग कर दिया इस 17 के क्यूब में,
और जो अलग सत्रह था उसमें हमने स्क्वायर्स का लिमिट देखा, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर कंपेयर हो रहा है, वहां पर भी स्क्वायर कंपेयर हो रहा है, और वो जो सत्रह जो था वो चार स्क्वायर से बड़ा है यानी 16 से बड़ा है, और पांच स्क्वायर से कम है यानी 25 से कम है। तो गिरी से गिरी हालत में 68 स्क्वायर से बड़ा और 85 स्क्वायर से छोटा ही होगा ये वैल्यू, जो कि 65 से बड़ा है दोनों चीजें और 144 से कम है दोनों, मतलब कुल मिला के ये रिजल्ट मिल रहा है कि ये इससे बड़ा है और सबसे बड़ा ये वैल्यू। तो यहां पर भी वही होगा, तो ऑप्शन वो सही होगा जिसमें 65 की पावर 1/6 को सबसे छोटा कहा गया, उसके बाद 17 वाला आया, उसके बाद ये आया, मतलब तीसरा वाला जो है सही उत्तर है, तो सी में आप मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल मैं आपको और करवाऊंगा प्रैक्टिस शीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो बहुत ही कॉन्सेप्ट है इसमें, छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। यदि 0 से 1 के बीच में y होता है तो इनमें से कौन सा करेक्ट इनइक्वालिटी है हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, दो चीजें हैं यहां पे, y जो है ना, y यदि 0 से 1 हो सकता है, या सेकेंड केस क्या हो सकता है, y जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है, यही दो केस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम y को पॉजिटिव इंटीजर रखें यानी कि धनात्मक संख्या रखें, तो दो ही चीजें पॉसिबल है कि y या तो 0 से 1 के बीच में हो या y 1 से बड़ा हो। अगर 1 हो गया, y बराबर 1 हो गया, तो फिर तो इनइक्वालिटी होगी नहीं ना जो पावर में है, क्योंकि 1 के पावर कितना भी करो 1 ही आता है। ठीक, तो 1 को छोड़ के अगर 0 से 1 के बीच में y हुआ तो एक अलग रिलेशन बनता है, 1 से बड़ा जो होता है उसमें अलग रिलेशन बनता है। ऐसा होता क्यों है समझिए, कि अगर सपोज करिए मैं y का वैल्यू ले लेता हूं आधा, y का वैल्यू मैं मान लेता हूं हाफ यानी 0.5, और यहां मैं y का वैल्यू मान लेता हूं 1 से बड़ा जो कि है 2। तो अगर मैं 2 के पावर 1 लिखूं, 2 के पावर 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर मैं करता हूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 2 का क्यूब यदि मैं करता हूं तो 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, लेकिन यहां क्या हो रहा है समझिए, अगर मैं y का स्क्वायर करता हूं तो ये 1/4 होता है, y का क्यूब मैं करूंगा तो 1/8 होता है, इसका वैल्यू होता है 0.5, इसका वैल्यू होता है 0.25 और इसका वैल्यू होता है 0.125। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल रहा होगा यहां पर। ये समझिए कि जब y 0 से 1 के बीच में होता है तो पावर को जब हम बढ़ा रहे हैं, यहां पावर बढ़ रहा है ना, यहां पर भी पावर बढ़ रहा है, तो वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है, वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है। यहां पर जब पावर बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जैसे पावर बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। ठीक, तो इस चीज को नोट करिए, जब भी कोई संख्या 0 से 1 के बीच में होती है उस दौरान यदि हम पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा और पावर को कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। यहां पे लेकिन अगर पावर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा, पावर घटेगा तो वैल्यू भी घटेगा, तो यहां पर जैसा पावर चल रहा है वैसा वैल्यू, लेकिन यहां पर रिवर्स होता है। तो आप ऑप्शन यहां पर कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे मार्क हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा होगा y का स्क्वायर रूट, फिर आएगा y का स्क्वायर रूट जो है सबसे बड़ा होगा, सॉरी y का स्क्वायर रूट सबसे बड़ा होगा, फिर y आएगा, y का स्क्वायर जो है सबसे छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि इन सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको बस ये देखना है कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं रूट के अंदर यदि माइनस में है तो सबसे पहले तो इनके डिफरेंस सेम होना चाहिए, जैसे 19 और 15 का डिफरेंस 4 का है, यहां 15 11 का डिफरेंस 4 का है, 11 7 का डिफरेंस 4 का है, 7 और 3 का डिफरेंस भी 4 का है। अगर सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा माइनस वाले केस में, जो सबसे छोटी नंबर दिए हुए वो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि ये जो रूट 7 और रूट 3 है इसका डिफरेंस जो है ये सबसे बड़ा आएगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता है डिफरेंस सेम है, तो जितना बड़ा वैल्यूज आप लोगे उतना ही छोटा वैल्यू होता जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू जैसे जैसे बड़े होंगे, डिफरेंस यदि सेम है दोनों के बीच में, तो यहां पर वैल्यू वो सबसे बड़ा होगा जो सबसे छोटा है। ऐसा हो क्यों रहा है, अब मैं आता हूं थ्योरी पार्ट में, बेसिक से समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो थ्योरी समझने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए जो कि हम उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन,
यानी परमीयकरण करना, ठीक है, परमीयकरण करना, परमीयकरण करना, परमीयकरण करना, इसलिए क्योंकि देखिए इस प्रक्रिया से जो इरेशनल नंबर होता है यानी कि जो आपकी संख्या जो है वो अपरमेय है वो परमेय बन जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए अगर मैं एक वैल्यू ले रहा हूं रूट ए, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है रूट ए माइनस रूट बी। ये दोनों जो संख्या है एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब रूट ए प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट ये है और रूट ए माइनस रूट बी का कॉन्जुगेट ये है, ठीक है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं, इसको एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो एक रैशनल नंबर निकल के आता है। यही इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। मतलब अगर हमें ये वैल्यू दिया तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे और अगर हमें ये वैल्यू दिया तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन करना। जैसे कि सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, अगर इस तरीके का वैल्यू दिया हुआ है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक, सपोज करिए हमारे सवाल में क्या था रूट ए माइनस रूट बी था, तो इसी से समझते हैं। अगर रूट ए माइनस रूट बी दिया हुआ है हमें कंपैरिजन करना था, तो जब तक कि इस फॉर्मेट में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे रूट ए प्लस रूट बी से। जब मैं ऊपर नीचे रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए का स्क्वायर आएगा a, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा b, तो a माइनस बी आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है, तो a माइनस बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी आ रहा है। इसी प्रकार यदि आपको a माइनस बी की जगह अगर a प्लस बी दिया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहां ले लेते हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी दिया हुआ है और आपको रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर में खास तौर से जब ये वैल्यूज होते हैं तो आपको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है जब तक आप न्यूमरेटर में इस चीज को लेकर ना आए। तो इस रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में अब आपको रूट ए माइनस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। नॉर्मली वैल्यू न्यूमरेटर में नहीं होता है, डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ कंपेरिजन में माइनस वैल्यू था तो माइनस वैल्यू में कंपेयर करना आसान नहीं होता है, इसलिए पहले इस वैल्यू को हमें ऐसे फॉर्मेट में लाना होगा तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो माइनस वाले केस में भी आप देखेंगे तो यहाँ a माइनस भी आएगा और ऊपर आ जाए नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन करना, ठीक है। अब वापस चलते हैं वहां पे उस सवाल को देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और बाकी चीजें को आप खुद से लिख लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, रूट 19 माइनस रूट 15, जब तक ये 19 और 15 माइनस में है तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है, क्योंकि इसका अपना एक डेसिमल वैल्यू आएगा, इसका भी अपना एक डेसिमल वैल्यू आएगा, और जब आप कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर ना आए। तो इसलिए हमें यहां पर पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा रूट ए रूट 19 प्लस रूट 15 से, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे बेसिकली। तो यहां पर ऊपर रूट 19 का स्क्वायर करोगे तो 19 आएगा, रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 आएगा। 19 माइनस 15 करने पर 4 आता है, 4 डिवाइडेड बाय रूट 19 प्लस रूट 15, ये हो गया, ठीक, पहला वाला। मतलब इसके जगह पे मैं ये लिख सकता था कि नहीं लिख सकता, तो यही हमें करना है। तो पहले वाले का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4 बाय रूट 19 प्लस रूट 15, है ना। दूसरे वाले का जो वैल्यू हो जाएगा 4 बाय, क्योंकि डिफरेंस सेम है सभी में, a माइनस बी जो है वो 4 का 4 ही रहेगा, दूसरे वाले में क्या है तो रूट 15, ठीक है, प्लस रूट 11 आएगा। तीसरे वाले का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 11 प्लस रूट 7, और आखिर वाले का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 7 प्लस रूट 3, यही आने वाला है, ठीक है। अब मैंने जो कहा ऐसा क्यों कहा उसको समझिए, मैंने कहा कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है सबसे छोटे वैल्यू जो थे वो सबसे बड़ा वैल्यू, ऐसा क्यों होता है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं तीन वैल्यूज यहां पे लिखता हूं, सपोज मैं लिखता हूं 2, 2 से छोटा बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, तो इसके व्युत्क्रम में क्या होता है वो समझिए। अगर मैं 1/2 करूं और 1/3 करूं और 1/4 करता हूं, तो 1/4 का वैल्यू क्या है,
आपका जवाब होगा 1/4 का वैल्यू 0.25, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 का वैल्यू तो 0.33 है, और 1/2 की वैल्यू पूछूं तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक। तो सबसे बड़ा क्या है बताइए, इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, 1.2 बड़ा है 1.3 से, क्योंकि ये 0.5 है, 0.33 है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। और 1.3 का वैल्यू 0.33 था, 1.4 का वैल्यू 0.25 हो गया। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सबसे छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सबसे छोटा आ रहा है, मतलब 2-3 से छोटा है, 3-4 से छोटा है, तो इसका व्युत्क्रम लेने पे 1/2 सबसे बड़ा हो जाता है, यहां पे 1/3 उससे भी बड़ा हो जाता है 1/4 से, और 1/4 सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, जो वैल्यू सबसे छोटा है डिनोमिनेटर में जब उसको ले जाओगे तो वो वैल्यू सबसे बड़ा हो जाता है, यही चीज हम यहां देख रहे हैं। अगर कंपैरिजन हमारा इसी नंबर्स में रहता, ठीक है, इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा कि जो वैल्यू सबसे छोटा होता है इसका व्युत्क्रम लेने पे वो वैल्यू सबसे बड़ा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यहां पर आप समझिए, अभी मैं इस चीज को हटा देता हूं यहां से, कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो वैल्यू सबसे बड़ा है, छोटा है, वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा। अगर कंपैरिजन केवल √19 + √15 में होता, और √15 + √11 में होता, √11 + √7 में होता, और √7 + √3 में होता, अगर कंपैरिजन इन वैल्यूज में होता तो आप डायरेक्टली कह लेते कि ये तो सबसे छोटा वैल्यूज है, क्योंकि √7 √8 बराबर हो गया, और √3 और √11 में ये बड़ा हो गया, मतलब ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है। अब इन दोनों की कंपैरिजन करें तो √11 √11 बराबर हो गया, √15 उससे ज्यादा बड़ा हो गया √7 से। तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ा है और ये वैल्यू उससे भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये उससे बड़ा हो जाएगा, सिमिलरली सबसे बड़ा वैल्यू ये हो जाएगा सारे कंपैरिजन में। तो जब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, न्यूमरेटर तो सब में सेम है, तो लो ना लो बात एक ही, क्योंकि वो वैल्यू सबसे छोटा था, व्युत्क्रम जब सबका ले लेंगे तो ये वैल्यू सबसे बड़ा हो जाए। तो डायरेक्टली इस तरीके से आप इसका आंसर डी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है, कॉन्सेप्ट जो होता है, उसमें टाइम लगता है, आंसर को मार्क करने में टाइम नहीं लगता। मैंने क्वेश्चन देखा और तुरंत ही बता दिया था कि आंसर ये है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये सारी चीजें। तो डिफरेंस क्या है, आपको देखना है कि डिफरेंस 4 का है, इसमें भी डिफरेंस 4 का है, माइनस में चल रही है चीजें, इसमें भी डिफरेंस 4 का है, इसमें भी डिफरेंस 4 का है, और माइनस है सभी के बीच, माइनस लगा हुआ है सबके बीच। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, √7 - √3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर में वैल्यू है तो √7 - √3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे हमें बताना है स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का। तो सबसे छोटा वैल्यू होगा जो सबसे बड़ा है, ठीक। सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो √23 - √19 इसका उत्तर हो जाएगा। पिछले वाले सवाल में हमको निकालना था ग्रेटेस्ट, तो ये सबसे बड़ा था। इस वाले में हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ए का उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और केवल पहला सही है कि केवल दूसरा, कि दोनों गलत है या दोनों सही है। तो यहां पर पहले कुछ इनइक्वालिटीज है, उसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले का सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे दिया हुआ है 169 का स्क्वायर रूट, 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2197, क्यूब रूट ऑफ 2197, ये फिर से 13 होता है। 9261 किसका है, तो 21 का क्यूब है, और 21 के क्यूब का क्यूब रूट लोगे तो 21 ही आएगा। तीनों को जोड़ने पर 13 हो गया, 26 प्लस 21 करोगे तो 47 आएगा। क्या ये 39 के बराबर है, नहीं है, तो हमारा जो उत्तर है ये बराबर नहीं है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। हमें बस ये बताना था कि इनमें से कौन सा सही है, तो पहला तो गलत हो गया, पहला सही नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो सी या बी में से आंसर होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, 0.81। तो देखिए मैंने ये चीज आपको स्क्वायर रूट में बताया था कि डेसिमल के बाहर, अगर डेसिमल यहां 2 है तो स्क्वायर रूट के बाहर 1 होगा, क्योंकि 2 बनाने का मतलब आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 81 का यहां पे 0.9 आएगा, ठीक, 81 है तो यहां पे 9 आएगा। 49 का 7 होता है, और 0.49 है तो 0.7 बन जाएगा। तो हमें ये सारी चीजें जोड़नी है, प्लस 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 है, तो जोड़ के देखते हैं क्या ये वैल्यू 17.6 से बड़ा है। यहां पर जोड़ोगे तो 16 आएगा, 16, और यहां पे आपका 17.6 ही आ रहा है एग्जैक्टली।
तो क्या 17.6 ये पूरा वैल्यू है आपका 17.6, और आपसे पूछ रहा है क्या 17.6 17.6 से बड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो इक्वल है ना, इक्वल टू का साइन होना था। तो पहला भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नाइदर, ना पहला सही ना दूसरा सही। ठीक, चलिए, ये अगर साइन ऊपर ग्रेटर देन होता नीचे इक्वल टू होता तो हम मार्क कर लेते कि दोनों के दोनों सही है, लेकिन दोनों के दोनों यहां पे गलत निकल रहे हैं। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे अगेन दिया हुआ है कुछ वैल्यूज, रूट 11 प्लस रूट 8 सात है, और रूट 10 प्लस रूट 8 है। दूसरे वाले में देखोगे तो 17 और 11 है, यहां पे 15 और 13 है। तो इस तरह के सवाल में करना क्या है उसको समझ लीजिए। पहले आपको देखना है क्या 11 प्लस 7 8 18 बन रहा है, यहां पर भी 10 प्लस 8 18 बन रहा है। तो जिसमें डिफरेंस कम होगा, जो वैल्यूज ज्यादा करीब होंगी वो वैल्यू बड़ा होता है। जैसे कि 10 और 8 में जो डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, यहां पे 11 7 में कितने का डिफरेंस है, तो 4 मिनट 4 घंटे। तो जिसमें 2 का डिफरेंस है ये बड़ा होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, सेकेंड वाले में भी आपको देखना यही है कि पहले ऐड करके देखिए वैल्यू सेम आ रहा है क्या। अगर मैं 17 और 11 को जोड़ता हूं तो 28 आ रहा है, 15 और 13 को जोड़ रहा हूं तो भी 28 आ रहा है। अब आपको देखना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 15 और मतलब पहला कंडीशन है दोनों का सम सेम आना चाहिए, सेकेंड डिफरेंस देखना है 15 और 11 में 13 में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का डिफरेंस, 17 और 11 में डिफरेंस कितने का है, तो 6 का डिफरेंस। तो ये वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर दिया है कि ये वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा है, और हमें निकालना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू था, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मतलब आप आंसर क्या मार्क करोगे एग्जाम में, आंसर मार्क करोगे कि पहला स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब अगेन यहां पर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हम समझ लेते हैं इसमें। ठीक, थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं, फिर वापस आएंगे यहां पे। तो थ्योरी पार्ट पहले हम देख लेते हैं इसका। थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात समझिए कि अगर a प्लस बी बराबर अगर 10 दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी हमने मान लिया कि 10 है, तो a गुणे बी का वैल्यू क्या होगा ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी अगर 10 है तो a गुणे बी का वैल्यू क्या क्या संभव है इंटीजर वैल्यूज, ये हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पे। ठीक, तो सबसे पहली बात, अगर a प्लस बी 10 है तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। 1 प्लस 9 हो सकता है, बराबर 10 बनेगा यहां पे। ठीक, मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता था 2 प्लस 8 बराबर 10 होगा, मैं ये भी लिख सकता था 3 प्लस 7 बराबर क्या होगा, तो 10 होगा। मैं ये भी लिख सकता हूं कि 4 प्लस 6 बराबर 10 होता है, या मैं लिख सकता हूं कि 5 प्लस 5 बराबर भी 10 होता है, यही लिख सकते हैं। अब इन सभी चीजों में आपने क्या देखा कि a का वैल्यू यहां 1 है, तो b का वैल्यू यहां पे सेकेंड वाला जो चीज है b का वैल्यू यहां पे कितना है 9 है, a का वैल्यू यहां पे कितना है 2 है, तो b का वैल्यू 8 है। इस तरीके से मैंने सारी चीजों का अरेंज किया है। ठीक, तो इसमें आप एक चीज नोट करिए कि यहां पर ए बी का वैल्यू क्या आ रहा है, और साथ में आपका जो a माइनस बी का जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a इंटू बी का वैल्यू कितना है, a इंटू बी का वैल्यू यानी a और b को मल्टीप्लाई करना। यहां पे 1 इंटू 9 करोगे तो 9 आएगा, यहां पे 2 इंटू 8 करोगे तो 16 आ रहा है, यहां पे 4 इंटू 3 इंटू 7 करोगे तो 21, 4 इंटू 6 करोगे तो 24, और 5 इंटू 5 करोगे तो यहां पर आपका 25 आ रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज हमको यहां क्या देखने को मिल रही है कि a और b का जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं कि a और b का डिफरेंस कहां पे सबसे ज्यादा है, कहां पे कम है। 1 और 9 में जब a को हमने 1 लिया, b को हमने 9 लिया, तो a और b का डिफरेंस कितने का आया, 8 आया। a और b का डिफरेंस यहां पे 6 आया। a और b का यहां पर डिफरेंस देखोगे 3 और 7 में तो 4 का डिफरेंस, a और b में यहां देखोगे तो 2 का डिफरेंस, a और b में यहां पे कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब समझिए कि जब a प्लस b कांस्टेंट होता है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। a प्लस बी जो है जब कॉन्स्टेंट है 10 है, तो जब हम a और b के गुणे गुणनफल की बात कर रहे हैं तो a भी मैक्सिमम कब होगा, a भी मैक्सिमम तब होता है, यानी अधिकतम तभी होता है जब, ठीक, जब a बराबर b हो, जब a बराबर b हो तभी a b जो है वो मैक्सिमम होता है। यहां पर देखिए जब a बराबर b हो गया तो सबसे ज्यादा a b का वैल्यू 5 इंटू 5 25 आ रहा है, इसके ऊपर जाओगे 24 है, इसके ऊपर जाओगे 21 है, यहां पर डिफरेंस 4 का है। मतलब जैसे जैसे ए बी में डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे इसका प्रोडक्ट कम होते जाता है, जैसे जैसे डिफरेंस कम होता है वैसे वैसे ए बी जो है प्रोडक्ट बढ़ता जाता है।
इसी चीज का हम वहां पे फायदा उठाएंगे इस सवाल में और देखेंगे कि जहां पे ए बी में डिफरेंस कम है, सबसे पहला कंडीशन कि ए प्लस बी यहां पे भी 18, ए प्लस बी यहां पे भी 18, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर देखेंगे 10 और 8 में डिफरेंस 2 का, यहां देखेंगे 11 और 7 में डिफरेंस 6 का, तो सॉरी 4 का, यहां 11 7 में डिफरेंस 4 का, तो ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, यहां पे साइन सही है, करेक्ट आंसर। दूसरे वाले में देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है इसमें 15 प्लस 13, पहला स्टेप है 15 प्लस 13 18 है, 17 प्लस 11 भी 18 है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का था और इन दोनों में डिफरेंस 11 और 17 में डिफरेंस 6 का था, तो ये वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए था, तो साइन तो उल्टा लगाया, मतलब कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमारा 1। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर लें, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे सॉल्व करिए कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, यहां पर 11 प्लस 7 आएगा, 11 प्लस 7 यानी 18 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, पहला वाला वैल्यू, प्लस 2 इंटू ए बी करोगे तो 2 इंटू ए बी मतलब 11 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई 77। दूसरे तरफ करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो सेम है 18 आ गया, और यहां पे प्लस 2 इंटू रूट ए बी करोगे तो 11 10 इंटू 8 करोगे 80 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके कंपैरिजन में हम पहली चीज जो है ए प्लस बी को कांस्टेंट कर रहे हैं, होना चाहिए तभी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 18 18 तो कटना ही है। कुल मिला के कंपैरिजन हो किस में रहा है, कंपैरिजन तो ए बी में ही हो रहा है ना, ए और बी में ही हो रहा है, और हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है कि ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है और ए बी मैक्सिमम यानी ज्यादा तब होता है जब डिफरेंस कम होता है, 8 और 10 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है जिसमें कम डिफरेंस है वही बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे साइन सही लगा हुआ है। तो ये एक स्टेप और जाके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको क्यों ऐसा हो रहा है, तो केवल 1 जो है सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड पैटर्न है और आपके एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आने के चांस रखता है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल को मैं आपको इसका 20 सेकेंड का सोल्यूशन भी दूंगा, मैं आपको इसका 10 सेकेंड का सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है, और आपको 1 सेकेंड का सोल्यूशन भी मैं इसका दूंगा कि कैसे आपको फटाफट इसका आंसर करना है। इसका आंसर जो है वो है 12, इसका आंसर जो है 1 सेकेंड का सोल्यूशन जो है 12 है। कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना होगा, इसका पेशेंस रखिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे मैंने फटाफट सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए समझते हैं पहले। तो सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है ax2 + bx + c = 0, इसमें आपका जो x का मान होता है माइनस ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, दो रूट होते हैं इसके। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए कि x बराबर होता है माइनस ऑफ b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac/2a, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए। ठीक, अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे दिया गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उस चीज को लाना है पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उस चीज को अगर देखें, तो हमारा जो सवाल दिया था वो सवाल कुछ इस तरीके से था, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्सेट्रा चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, अनंत तक ये वैल्यू चल रहा है, ऐसा ही कुछ है। हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स मान लेंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो बेसिक अप्रोच क्या है कि आप इसको एक्स मान लेंगे। तो ये अभी 20 सेकंड वाला सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अगर ये एक्स ले लिया हमने, तो पहले आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। उसके पहले, स्क्वायर करने के पहले आप समझिए चल क्या रहा है मामला। हमने क्या किया, एक्स लिया स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए इनफाइनाइट टाइम्स, अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ ए है, सेकेंड वाले से भी तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, तो हम इसको भी तो x कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस के आगे जो वैल्यू चला वो भी तो कहीं ना कहीं x ही है, तो ये इसको हम a प्लस x मान लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर इसको मान लेते हैं x। क्लियर, अब इसको जब सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर।
जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो एक इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स, जिसको हम रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर जीरो, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब समझिए यहां से कि इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स बराबर माइनस ऑफ बी, तो यहां बी का काम क्या कर रहा है, माइनस वन कर रहा है, बी का काम क्या कर रहा है, माइनस वन कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ बी मतलब एक प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर यानी यहां पे क्या है अगेन एक का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस ऑफ फोर ए सी मतलब फोर इंटू, यहां पर ए का काम वन कर रहा है और सी का काम माइनस ए कर रहा है, तो फोर ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, फोर ए बटे में टू आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके का कभी भी एक्सप्रेशन देखते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होता है वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर ए डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन आया समझ में आ गया, तो इसको आप नोट डाउन करके रखिए। अब मैं वापस आता हूं डायरेक्टली, ये सॉल्यूशन आपको कैसे मिला ये समझ में आएगा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए इस सॉल्यूशन को हम निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे प्लस के जगह एक और सवाल बन सकता है माइनस का, ठीक, माइनस का भी सवाल बन सकता है, तो दोनों चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो प्लस वाले में एक जगह प्लस होता है दूसरी जगह माइनस होता है, तो देखिए पहले हमने यहां पर किया इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, इस तरीके से चल रहा है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। इसको यदि मैंने x माना तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए प्लस वन प्लस का एक बटा दो, ये होता है x का वैल्यू। ठीक, सेकेंड चीज अगर हमें यहां पर सॉल्यूशन कुछ वैल्यू कुछ उस तरीके से दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए और माइनस इस तरह से इनफाइनाइट टाइप चल रहा है, इसको अगर y मान लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए प्लस वन माइनस का एक बटा दो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को कंपेयर करिए, पहला वाला वैल्यू और दूसरे वैल्यू। इसमें आपसे एक तीसरा सवाल और क्या पूछ सकता है, आपसे तीसरा सवाल यह पूछ सकता है कि बताइए भाई x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू हमेशा एक आएगा। अब खुद ही देखिए, अगर मैं इसमें से x माइनस वाई करूं तो ये 4a प्लस 1 का अंडर रूट यहां पे प्लस में है, यहां पे प्लस में भी कट जाएगा, और ये प्लस का आधा माइनस माइनस का आधा करोगे तो आधा प्लस आधा होगा जो कि वैल्यू उसका होता है 1। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करते हुए हम इस सवाल को विद इन 20 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वापस चलते हैं उस सवाल में और इस सवाल में इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको एक सेकेंड वाला सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से देखिए 20 सेकेंड वाला सॉल्यूशन जो है वो यह है कि x बराबर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इनटू 132 प्लस का 1, और यहां पर क्योंकि प्लस चल रहा है तो यहां प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 इनटू 132 करोगे 528 प्लस 1 करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 आएगा प्लस का 1 बटा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 529 मतलब किसका वर्गमूल, यह 23 का है तो 23 प्लस 1 बाय 2 होगा मतलब 24 बाय 2 मतलब 12 उत्तर हो जाएगा 12। बात समझ में आ गई कैसे हमें सॉल्व करना है। अब जिसका आप सभी को इंतजार है कि मैंने एक सेकेंड का सॉल्यूशन जो बताया वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, ये हर जगह नहीं लगता, ये वहीं लगेगा जब आपका जो ए है वो इस तरीके के फॉर्म में है, ए जो है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो तभी वो वैल्यू लगता है। ये जो सॉल्यूशन है ये आपको कभी फेल नहीं करेगा, लेकिन वो फेल कर सकता है, जो शॉर्ट ट्रिक जितना ही छोटा होता है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, आपको वो फंसा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पे जहां सॉल्व होना है वहां आपको बहुत फायदा भी दे देता है कि विद इन सेकेंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए जब, ठीक है, जब वेन ए इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, जिसमें एन क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब a बराबर होता है n गुणे n प्लस 1, जिसमें n क्या है एक प्राकृतिक संख्या हो, उस केस में ये जो x है ये x का वैल्यू हो जाता है जब प्लस में वैल्यू चल रही है तो ये हो जाएगा n प्लस 1, और जब माइनस में वैल्यू चल रही है, माइनस में सारी चीजें चल रही है, तो y का वैल्यू हो जाएगा
एन, छोटा वैल्यू जो है वो वाई का होगा माइनस वाले केस में, और जब प्लस में चल रहा है तो उसका वैल्यू एन प्लस एक होगा। ये आपका हो गया सॉल्यूशन एक सेकेंड वाला। ठीक, तो वापस चलते हैं यहां पर। जैसे ही आपने 132 देखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 132 बना है कैसे, 11 × 12 से। तो क्योंकि ये प्लस चल रहा था तो उत्तर आपका प्लस यानी कि बड़ा वाला वैल्यू होगा, ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 72 72 72 इस तरीके से चल रहा है, माइनस है तो 72 देखते साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये 8 × 9 से बना है, और क्योंकि माइनस चल रहा है तो उत्तर छोटा वाला होता है यानी 8 होता है। बेसिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला लगाइए 4 × 72। फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 4a + 1√−1/2। उससे भी ऊपर आना ही है। ठीक, अगर आपको ऐसा स्प्लिट करने में नहीं समझ में आ रहा तो आप फॉर्मूला लगाइए 4 × 72 + 1√, यहां माइनस का 1/2, यही फॉर्मूला है। तो सॉल्व करेंगे, 4 × 72 288 हो गए, इसमें एक जोड़ोगे तो 289। ठीक, इसका स्क्वायर रूट और माइनस 1/2, 289 का स्क्वायर रूट यानी 17, 17 − 1/2 तो 16/2 करोगे तो 8 उत्तर आएगा। सेम आंसर आना है इसमें भी, फॉर्मूला सेम, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए उत्तर क्या होगा। √5 + √5 + √5 ऐसा चल रहा है तो आपका फॉर्मूला इसमें क्या हो जाता है, √4a + 1 + 1/2। तो 4a मतलब 4 × 5 करोगे 20 + 1 तो √21 बनेगा, प्लस का 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो √21 + 1/2 मतलब कि डी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस में है तो फॉर्मूला वही लगेगा फिर से, यहां पे 4a + 1√ और माइनस का 1/2। तो 17 × 4 करोगे तो 68 आएगा, 68 में +1 करना मतलब 69 का स्क्वायर रूट लेना, माइनस का 1/2 हो गया इसका उत्तर, मतलब कि ए जो है इस सवाल का उत्तर। ठीक, तो सवाल हमेशा फटाफट हम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो फायदा आप ले पा रहे हैं फ्री में इतना बढ़िया कंटेंट जो आपको मिल रहा है सर्च इंडेक्सेस का, वो उन तक भी पहुंचे। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई भी सवाल जो हम यहाँ पे सवाल करा रहे हैं और प्रैक्टिस शीट मिलाकर, इसके बाहर उसका लेवल नहीं जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं, उनका भी फायदा हो। लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके इस लाइक से और शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके व्यूज से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी बातें आप करना चाहते हैं करें, क्योंकि मैं वो कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ जहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे जो भी है प्लस में चल रहा है, बी का वैल्यू जो है माइनस में चल रहा है। आपसे सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा सही है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जब भी इस तरीके से कोई एक टर्म प्लस में चले और दूसरा टर्म माइनस में चले तो ए माइनस बी का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन देखिए जिसमें ए माइनस बी 1 दिया हुआ है, ऑप्शन बी को अगर रीअरेंज करेंगे ये 1 वहां जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू 1 आएगा। तो बी ऑप्शन जो है इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर जो वैल्यू दी हुई है इसमें √13 अब गुणा हो रहा है, पहले वाले में हमने जो देखा था वो प्लस चल रहा था, इसमें आप देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई है √13 √13 √13 √13 इस तरीके से मल्टीप्लाई है। तो 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार अगर मल्टीप्लाई हुआ तो उत्तर क्या करना है, 13 इसके ऊपर अगर 1 2 3 4 5 6 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 तो 2 के पावर 6 का वैल्यू पहले निकालिए। 2 के पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। तो नीचे 64 लिखोगे, ऊपर 64 माइनस 1 करोगे मतलब 63 इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, उत्तर जो है डी ऑप्शन, 13 के घात 63/64 इसका उत्तर होगा। क्लियर है, इसको भी आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया आप इसको भी लगा के कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका आंसर यही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है m टाइम्स, यानी m बार इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो इसका वैल्यू होता है 1 के घात
के पावर m माइनस एक बटा 2 के पावर m, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और ऐसा आया क्यों, तो आप इसको बेसिक से भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। कैसे बेसिक से लगाएंगे समझिए, इसको मैं मान लेता हूं कि इसका वैल्यू है क्या, इसका वैल्यू x है, एक बार x स्क्वायर करोगे तो ये वाला हट जाएगा स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 और स्क्वायर रूट ऑफ 13 इतना बन जाएगा। एक बार और जब x स्क्वायर करना होगा इसे तो फिर से स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, कौन सा, सेकेंड वाला स्क्वायर हट जाएगा, ये वाला स्क्वायर हट जाएगा और इसके पावर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आखिर में आपका जो सॉल्यूशन लास्ट में आएगा वो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ आएगा कि x के पावर आपका 63/64 आ जाए। इसको सॉल्व करते जाइए, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बेसिक से सॉल्व करना है तो इस तरीके से ही होगा, बट बेसिक की आवश्यकता नहीं है। जब उत्तर हमारा फॉर्मूले से विदाउट कुछ किया आ रहा है तो डायरेक्टली आप इसमें क्या करना है, अगर लिमिटेड टाइम्स 13 इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्टली क्या करना है 13, और क्योंकि 6 बार मल्टीप्लाई था तो 2 के घात 664 नीचे लिखोगे और ऊपर 63 एक काम करके लिखोगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है 5 × 5 × 5 × 5 अनंत तक मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 5 ही होता है, ठीक, ऑप्शन यहां पे गलत टाइप हो गया है, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। जब इनफाइनाइट टाइम्स की चीज मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर 5 5 5 5 इस तरीके से तो इसका वैल्यू 5 ही होता है। इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों है, यहां पे कॉन्सेप्ट समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब y जो है, इसी वीडियो के अंदर हमने कवर किया है, y जब 0 से 1 के बीच में होता है और y जब 1 से बड़ा होता है तो जैसे जैसे पावर बढ़ता है y कम होते जाता है, यहां पर जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो y की पावर जो वैल्यू वो भी बढ़ता जाता है। तो कभी भी जब y 0 से 1 के बीच में है इस दौरान अगर हम y के पावर इतनी बड़ी वैल्यू लिख दें, इनफाइनाइट कर लें, तो वैल्यू जो है वो 0 बन जाता है, और यहां जब y के पावर इनफाइनाइट हम कर लें तो वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। ये चीज हम देख चुके हैं ना, क्योंकि y जब 0 से 1 था तो जैसे हम पावर बढ़ा रहे थे तो वैल्यू घटते जा रहा था, तो पावर कुछ इतना बड़ा हो जाए कि इनफाइनाइट हमने y के पावर में लिख दिया, ऐसे केस में y की पावर इनफाइनाइट 0 हो जाता है। और दूसरे केस में जब y की पावर इनफाइनाइट करोगे तो बड़ा होते होते ये बहुत इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को देखिए, यहां पर m जो है, अगर मैं कहूं कि m इनफाइनाइट बन गया, ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं हम इस फॉर्मूले में बस इतना ही चेंज कर रहे हैं कि m जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक चल रहा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a ऐसा चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो अब इस चीज को देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते थे ना कि a के घात अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 बन जाएगा माइनस 1/2 के पावर m बन जाएगा, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक किया, a के पावर 2 पावर m डिवाइडेड बाय 2 पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर m, तो ये तो 1 बन गया, और यहां पे 1 है, 1 के पावर में m लिखो चाहे 2 लिखो बात वही है, तो मतलब ये आधा है आधा के पावर m, तो आधा जो है ये 0 से 1 के बीच में कहीं लाया करता है, और इसके घात में जब इनफाइनाइट करोगे तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। उत्तर फाइनली जो आएगा वो आएगा a, उत्तर फाइनली जो आएगा वो आएगा a, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, और इस तरीके से आप यहां पर आंसर जो है उसको, इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 5, ठीक है, इसको 5 कर लेना, टाइपिंग एरर है, इसका आंसर 5 आएगा। ऐसे भी समझ नहीं आया तो मैंने जो x वाला मेथड बताया था वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये √5 से √5 से √5 से जो आगे वैल्यू चल रहा है इसको मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जैसे ही मैंने x माना तो यहां से जो सेकेंड वैल्यू है ये भी तो x बन जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बाद जो x है ये x के बराबर होगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, इसका भी स्क्वायर कर लेता हूं, इसका भी स्क्वायर कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 5x बराबर x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ x है तो एक x को काट लेते हैं, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, और कहीं ना कहीं हमने इसका आंसर क्या किया, इसका आंसर 5 ही तो किया है, तो 5 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्लियर। तो इनफाइनाइट सीरीज में प्लस वाले में भी सवाल बनता है, मल्टीप्लीकेशन वाले में भी सवाल बनता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन चल रहा है इनफाइनाइट टाइम सेम नंबर, तो आंसर में वो जो नंबर है वही उसका उत्तर हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पर आपका जो है a के पावर m के पावर n जो है इसका फॉर्मूला यूज करना है कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वो पावर में जाएगा और अगर nth रूट में है तो वो डिविजन में जाएगा। तो वही चीज आपको यहां देखने को मिल रहा है कि 7 के पावर n के पावर m और यहां 7 के घात में 6 फिर 3। तो किसी भी एक वैल्यू को ले लीजिए क्योंकि यहां पर भी वही है यहां पर भी वही है, दो चीज अगर दो बार कोई चीज रिपीट होती है मतलब उसके पावर में 2 आप लिख सकते हैं। बात समझ पाई? अगर मैंने a लिखा हुआ है और फिर से a लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर, मतलब जो यहां पर वैल्यू आया वही चीज यहां पर है। तो एक बार इसको सॉल्व करिए और दूसरे को सॉल्व करे बगैर उसके पावर में 2 कर लीजिए, 2 स्क्वायर। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो आपका उत्तर सेम आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 के पावर में आप देखेंगे 9 है और यहां पे 4 है तो ये मल्टीप्लाई होगा और क्योंकि इसके कर्णी घात में 6 है और 3 है तो ये डिवाइड में जाएगा। और क्योंकि ये सारी चीजें एक बार और रिपीट हो रही है तो इसमें पावर 2 और लग जाएगा। ये सेकेंड वाला 2 क्यों आया, क्योंकि एक बार और यही चीज होना है तो यहां मल्टीप्लाइड बाय 2 और कर लेते हैं, इसको मैं ग्रीन में लिख लेता हूं। एक्स्ट्रा 2 इसलिए आया क्योंकि यहां जो चीज है वो यहां पे फिर से चल रहा है तो एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको। ठीक है, 2 से कटेगा ये वाला 3 बार, 3 जो होता है 9 होता है, 7 के पावर 4 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है इस सवाल का। फॉर्मूला हमने सिंपल सा यूज किया, जो पावर में है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक, और जो कर्णी घात में है nth रूट में जो है वो डिवाइड होता है, इसी चीज का हम यहां पे यूज कर रहे हैं। चलिए, तो रिपीट हो गया सवाल। इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल में देखिए यहां पे दिया हुआ है 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 × 3/4 ऐसा अनंत तक हो रहा है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको एक बात कही कि अगर कोई वैल्यू y ये 0 से 1 के बीच में है और y के घात अगर इनफाइनाइट चढ़ जाता है तो वैल्यू 0 होता है। ठीक, वही तो हो रहा है, ये 0 से 1 के बीच में है, 3/4 का मतलब क्या है 0.75। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर मतलब आगे 25 लिखोगे और 7 × 8 होता है 56, और क्योंकि यहां पे 2 डेसिमल है तो यहां पर 4 डेसिमल होगा 0.56। मतलब 3/4 का स्क्वायर जैसे हमने किया तो वैल्यू थोड़ा छोटा हो गया, इसमें जब क्यूब करोगे वैल्यू और छोटा होगा, पावर 4 करोगे वैल्यू और छोटा होगा, ऐसे अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक हम मल्टीप्लाई कर लिए तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा वैल्यू आएगा और अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 0 होता है। तो इस चीज को हम यहां पर समझ रहे हैं एक सवाल के जरिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहां पे हम रोकेंगे। ठीक है, सर्च इंडाइसेस का पार्ट 1 है, पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो रहा है उसको आप यहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ूंगा, ठीक, और उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहां रोकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपका जो शेयर लाइक और सब्सक्राइब है उसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। इस वीडियो को यहां रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Thank you so much.